और मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पिछले 3 घंटे से ज्यादा से पूछताछ कर रही है। तो 3 घंटे से ज्यादा का ये वक्त यहाँ पर बीत चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर की जा रही है। लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिसके चलते उन सवालों का जवाब यहाँ पर ईडी की टीम पूरी तरह से तलाशने की कोशिश कर रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार हो रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कई सारे सवाल अब यहाँ पर जमीन घोटाला मामले से जुड़े हेमंत सोरेन से किए जा रहे हैं। 10 समन उनको भी ईडी ने भेजे थे, लेकिन जो आखिरी समन था उसमें जाकर वो पेश हुए। 8वें समन में भी वो पेश हुए थे, लेकिन ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई थी। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बात बखूबी जानते थे कि एक बार वो ईडी के हत्थे चढ़े तो सवालों की वो लंबी चौड़ी फहरिस्त उनके सामने होगी, जिसका सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए घंटों वो गायब रहे। दरअसल वो गायब नहीं हुए थे, वो सियासी रणनीतिक तौर पर अपनी मजबूत स्थिति को यहां पर दोबारा से काबिज करना चाहते थे कि अगर सवालों की वो फहरिस्त कानूनी तौर पर सामने आती है तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जा सकता है। और पिछले 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है, यानी वो सवाल जो कि इस पूरे मामले के बाबत उनसे जवाब के तौर पर तलाशे जा रहे हैं। और ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम, और क्या जानकारी, 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और कितनी पूछताछ अभी होनी बची है? जी, बता दें कि 20 से ज्यादा सवाल जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए जाने हैं, और अभी तक महज अगर बात की जाए तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है वो करीब 6 से 7 सवाल ही अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे गए हैं, जिसमें जमीन से जुड़े हुए मामले तो शामिल हैं और बड़गाई अंचल से जुड़ा हुआ 8.46 एकड़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सवालों की फहरिस्त लंबी है और जो जवाब है वो भी पूरी तरह से छनकर सामने आना चाहिए, और इसी वजह से एक एक सवाल पर लंबा समय जो है वो दिया जा रहा है। इसी वजह से वक्त जो है वो लंबा कट रहा है। जो जानकारी है, आज की पूछताछ काफी अहम है और कहीं ना कहीं निर्णायक भी साबित हो सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी दोनों के लिए। अब देखना होगा कि इस मामले में पूछताछ के बाद क्या कुछ होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो दिल्ली में जिस तरह से ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, कई अहम जानकारियां वहां से भी ईडी को मिली थी। कैश भी 36 लाख से ज्यादा जो है वहां से बरामद हुए थे। और तो कैश बरामद होने के बाद ओम परेशानियां और सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि ईडी की टीम को ये भी जानना है कि वहां पे कैश कैसे। लेकिन साथ साथ मुझे सियासी पहलू आपसे जानना है कि इसका सियासी एंगल क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो, मैं ओम आपके पास आऊं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही FIR दर्ज करवा दी है। SC ST एक्ट के तहत ही FIR दर्ज करवाई गई है। 2 दिन पहले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन से दिल्ली के आवास पर छापा मारा था, जिस 36 लाख कैश का हम इस वक्त जिक्र कर रहे थे वो मिला था। लेकिन बड़ी बात यह है कि SC ST एक्ट, जिसकी धाराएं बहुत सख्त होती है, नॉन वेलेबल वारंट होता है, इस धारा में FIR दर्ज करवाई गई है हेमंत सोरेन की तरफ से। लेकिन किस मामले को लेकर, ये अभी सामने नहीं आया कि ईडी के अधिकारियों ने ऐसा क्या किया है जिससे FIR कराने की नौबत आई। सीधे मैं ओम से ही सवाल पूछती हूँ, ओम, ये FIR कराने की नौबत क्यों आई है, ऐसा क्या हुआ है जिसके तहत ईडी के ऑफिसर्स पे ये FIR? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा जो आवेदन है ST SC थाने में दिया गया, उस आवेदन में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जिस तरह से ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित उनके जो निवास स्थान है वहां पर छापेमारी की थी, वहां से कई चीजों को बरामद किया, लेकिन उसके बाद कई खबरें जो हैं वो मीडिया में चल रही थी और कहीं ना कहीं इसके पीछे उन्होंने ईडी को जिम्मेवार माना है और इससे उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंची है, जिसे देखते हुए उन्होंने SC ST थाने में जो है वो पूरा मामला दर्ज कराया है। ST SC थाने में जो एक्ट होते हैं ST SC के, काफ़ी कहा जाए तो कड़े एक्ट हैं, उन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। जो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर हैं कपिल राज, उनके खिलाफ भी ये मामला है, तो साथ ही जो झारखंड के जो असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा हैं उनके खिलाफ ही, और इसके साथ ही 2 अन्य अधिकारी जो पदाधिकारी हैं ईडी के, उन 4 लोगों के खिलाफ, जो 4 लोग हैं उन लोगों के खिलाफ ये पूरी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, पुलिस इस मामले में जाँच भी कर रही है, और जिस तरह से जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन के आधार पर
मुख्यमंत्री के तरफ से कई चीजें जो हैं, गंभीर सवाल जो हैं वो उठाए गए। तो पूरा हिसाब किताब जो है हेमंत सोरेन को यहां पर देना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोराय नहीं। लेकिन ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि ये एससी एसटी एक्ट का इससे बड़ा दुरुपयोग और मजाक का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अपने कर्मों से हेमंत सोरेन अपनी एवं सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा पहले ही धूमिल कर चुके हैं और उन्होंने आगे कहा कि अब भगवान उन्हें कुछ सद्बुद्धि दे। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ये बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया थी और ऐसे में अब जो सियासत है झारखंड में और ज्यादा तेज होती चल रही है। लेकिन 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, ईडी अब भी सवाल जवाब कर रही है हेमंत सोरेन से। देखिए चौतरफा यहां पर हेमंत सोरेन कानूनी तौर पर घिर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लंबे वक्त तक गायब रहने के पीछे की वजह भी जाहिर सी बात है ये समझी जा सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मामले से इतनी आसानी से तो वो निकल नहीं सकते, क्योंकि हेमंत सोरेन पर यह संकट नहीं बल्कि महासंकट है और कैसे निकलना है इस बात की सियासी रणनीति भी वो अपनी तरफ से जाहिर सी बात है बनाकर बैठे होंगे। लेकिन ईडी के पास लंबी फहरिस्त है उन सवालों की जिनके जवाब पिछले 3.5 घंटे से तलाशे जा रहे हैं और 10 समन इससे पहले उनको भेजे गए थे, 10वां समन था जिसके बाद अब उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। कहीं इस बात का अंदाजा उनको भी था कि अगर गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद की रणनीति को लेकर भी आगे बढ़ना है और इसी को लेकर लगातार विचार विमर्श उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों के साथ भी किया और आगे सत्ता की कमान किसको सौंपी जाएगी इसको लेकर भी विचार विमर्श हुआ। तो हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर एससी एसटी एक्ट के तहत जो है एससी एसटी थाने में खुद ही मुकदमा दर्ज कराया, ये बीजेपी के बाबूलाल मरांडी की तरफ से ट्वीट यहां पर किया गया। तो देखिए तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी हैं और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी ओर से यहां पर कहा गया है, उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट का इससे बड़ा दुरुपयोग और मजाक का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अपने कर्मों से हेमंत सोरेन अपनी एवं सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा पहले ही धूमिल कर चुके हैं, अब भगवान